आईपीएल के 15वें एडिशन शुरू होने से ठीक पहले ही तमाम फ्रेंचाइजियों के लिए जो परेशानी है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और स्पोर्ट्स टॉक पर हमने ये खबर चलाई थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो 6 अप्रैल से पहले अपने देश से निकल नहीं सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो 12 अप्रैल के बाद ही आपके लिए आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो परेशानी है वो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों को लेकर भी है फ्रेंचाइजी में, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो होम सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश उसकी शुरुआत 18 मार्च से हो रही है, जहां पर कि 3 इन्हें ओडीआई मैच खेलने और उसके बाद 2 टेस्ट मैच खेलने और ये 12 अप्रैल तक चलेगा। अब क्विंटन डीकॉक एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने कि टेस्ट मैचेस से संन्यास ले लिया है, ऐसे में क्या कि क्विंटन डीकॉक तो 3 ओडीआई खेलकर अपना निकल सकते हैं, भारत में आकर आईपीएल खेल सकते हैं लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए। लेकिन बाकी जो बड़े खिलाड़ी हैं जिसमें कि कगिसो रवाडा का नाम है, एनरिक नॉर्किया का नाम है, इसके अलावा आप देखिए लुंगिसान येनगिडी को देख लीजिए, आप एडन माकरम को देख लीजिए, मार्को येंसन को देख लीजिए, प्रिटोरियस को देख लीजिए, ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे बांग्लादेश के खिलाफ में। और अब इनके जो फ्रेंचाइजी हैं वो परेशान है क्योंकि पंजाब के लिए खेलते हैं आपके कगिसो रवाडा, दिल्ली के लिए खेलते हैं नॉर्किया एंड लुंगिसान येनगिडी, देन आपके 2 खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के एडन माकरम हो गए और येंसन जो है वो भी आपके खेलते हैं हैदराबाद की तरफ से। तो ऐसे में परेशानी फ्रेंचाइजियों के लिए बढ़ती भी नजर आ रही है कि भाई बड़े बड़े जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है वो अगर 12 अप्रैल तक अपने घर में अगेंस्ट बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलेंगे तो वो अगर 13 और 14 को इंडिया के लिए रवाना होंगे, उसके बाद 3 दिन क्वारंटीन होंगे, तो 17 18 से पहले तो कोई मैच नहीं खेल पाएंगे और ऐसे में ऑलमोस्ट 1 महीने जो है वो निकल जाएगा आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, उनके इंपॉर्टेंट 6-7 मैचेस निकल जाएंगे। और इसीलिए फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि आप बात कीजिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका से। और बीसीसीआई से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सोर्सेस से वो यही है कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया ग्रेम स्मिथ से कि अगर टॉप के कुछ खिलाड़ी को पहले आप अगर फ्री कर सके तो जरूर कर दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि WTC को देखते हुए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए, क्या साउथ अफ्रीका अपने टॉप के खिलाड़ियों को टेस्ट मैच से पहले रिलीज कर देगा? लगता तो नहीं है। तो ऐसे में देखते हैं कि अब क्या सॉल्यूशन आता है। लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा।